नमस्कार, काव्य यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे काव्य यात्री के साथ हैं जो कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, आदरणीय डॉक्टर अनिल आविश्रांत जी का आपका काव्य यात्रा में स्वागत है। आपने अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत कब से की? दरअसल कविता और साहित्य से रुझान पहले से ही रहा, घर में भी साहित्यिक परिवेश था। चूँकि पिताजी भी हिंदी के लेक्चरर रहे तो घर में किताबों का आना जाना लगा रहता। सामान्यतः यदि मैं याद करूँ तो सिक्स क्लास थे जब वो गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों की छुट्टियां होती थी और वो मूल्यांकन में जब जाया करते थे तो खूब समय मिलता था जब कोर्स से अलग साहित्यिक किताबों से रूबरू होने का मौका मिला। और उसी समय से कहानी, कविता और उपन्यास पढ़ने का जज्बा जागा। कुछ कुछ तुकबंदियाँ भी उसी समय शुरू की सिक्स क्लास से ही, और कुछ एक कहानियाँ भी लिखी, लेकिन वो बहुत ही शुरुआती दौर था। वो कच्ची रचनाएं थी, वक्त के साथ वो विस्मृत भी हो गई, कहीं संग्रह में भी नहीं है। लेकिन साहित्य से जो एक रिश्ता बनता है वो उन्हीं समय में उसी समय से बनना। चूँकि हमारे जो बाबा हैं वो भी शिक्षक हैं, वो फारसी माध्यम से मदरसे में ज्योग्राफिया पढ़ाया करते थे और उनके पिताजी पूरे इलाके में आल्हा गायन को लेकर बहुत मशहूर थे। गंगा प्रसाद उनका नाम है। और ये वो दौर था जब लखनऊ आकाशवाणी की स्थापना ही हुई थी और कहते हैं कि वहाँ से भी कुछ लोग आए थे उनके आल्हा गायन को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया। तो साहित्य से, कला संस्कृति से जुड़ाव एक पारिवारिक विरासत के रूप में हो सके। हिंदी का अच्छा विद्यार्थी था, पिताजी भी हिंदी पढ़ाते थे, तो स्वाभाविक है कि कविताओं से, कहानियों से। आपको बताएं, शुरुआत में ही मनु शर्मा की कृष्ण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा जैसी किताबें मैं सिक्स क्लास में, सेवन्थ क्लास में उसको मैंने पढ़ा। उसी समय देवीन्द्र खत्री का समग्र हिंदी प्रचारक संस्थान बनारस से छपा था और चूँकि पिताजी क्लब के मेंबर थे तो ये किताबें आया करती थी घर में, तो पूरा देवकीनंदन खत्री समग्र हम लोगों ने उसी समय छुट्टियों में पढ़ लिया और धीरे धीरे करके साहित्य के जो संस्कार थे वो अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनते चले। जब ग्रेजुएशन करने आया उस समय डॉक्टर राजेश मल हमारे सर हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने साहित्य को भाव के साथ साथ विचारों से जोड़ा। उन्होंने समाज के विश्लेषण की एक दृष्टि दी, जीवन को समझने का एक नज़रिया हम सबके अंदर एक विकसित किया और वास्तव में साहित्य क्यों पढ़ा जाना चाहिए, कविताएं कैसे वंचित जन की आवाज़ है, कैसे वह जीवन की आलोचना है, इन सब तमाम सारी संकल्पनाओं से डॉक्टर राजेश मल जी ने और डॉक्टर श्रद्धा सिंह ने हम सबको परिचित कराया। धीरे धीरे करके लगा कि नहीं, हिंदी में कुछ मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो उसको मैंने करियर भी बनाया, एमए, उसके बाद नेट, फिर पीएचडी और कविताएं, कुछ कुछ लेख, संक्षात्मक लेख और कुछ क्रिएटिव राइटिंग की तरफ भी रुझान हुआ और धीरे धीरे करके कविताओं का लिखना सीखा। आपने पहली रचना कौन सी लिखी थी और कब? दरअसल शुरुआत मैंने कहानियों से की, क्योंकि खूब सारी कहानियाँ सुनता था। तो मुझे याद है कि नाइन्थ की छुट्टियों में स्कूल बंद हो चुके थे तो एक कहानी लिखी, एक मेरा मित्र था संजय उसका नाम था, तो उसको लेकर के संयोग से एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको लेकर के फिर मैंने एक कहानी उस समय लिखी। कविताओं में
पहली कविता कौन सी है ये तो खैर इतना याद नहीं है मुझे, कुछ तुकबंदी ही रही होगी, लेकिन शुरू में नीरज जी से बहुत प्रभावित था। एक उनकी कविताओं की, हालांकि ये उल्था ही कही जाएगी, नकल ही कही जाएगी, लेकिन तुम छूटे तो सब जग छूटा, तुम रूठे तो सब जग रूठा, तुम फिर यदि आओ जीवन में, जीवन फिर कविता बन जाए, इस तरीके की कविताएं शुरुआती दौर में लिखी गई। लेकिन वो कविताएं बहुत ही आरंभिक स्तर पर, और कहना चाहिए कि एक उसमें भावों का उच्छ्वास ज़्यादा है, जैसा कि होता है ना कि हर स्टूडेंट को एक दौर में छायावाद सबसे प्रिय लगता है, तो ये भावों की अभिव्यक्ति कई बार तुकांत रूप में और कई बार अतुकांत रूप में भी उन लोगों ने की। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे लगा कि कविताएं केवल भावना का मसला नहीं है, दरअसल इसमें विचार होने चाहिए, सरोकार होने चाहिए। साहित्य की विशाल परंपरा में वो कवि, वो साहित्यकार प्रिय और प्रियतर होते गए जिनमें हमारे जनजीवन की वाणी थी, जिनमें हमारे जीवन के सरोकार थे। कबीर से लेकर मुक्तिबोध तक की जो विशाल परंपरा है, उन कवियों को पढ़ते हुए, उनकी पूरी ज्ञान मीमांसा को और थॉट प्रोसेस को समझते हुए, फिर लगा कि यदि कविताएं बने तो इस तरीके से बने जिसमें सचमुच कोई नई बात कही गई हो और सरोकार हो जिसमें। तो एक कविता सुनाई जी, एक कविता जिसका शीर्षक है चुप्पी के खिलाफ। नहीं मैं चुप नहीं रहूँगा, नहीं मैं चुप नहीं रहूँगा, जहाँ प्यास पर बातें होंगी मैं एक नदी ले आऊँगा। जब उड़ाया जाएगा भूख का मखौल, मेरे तर्कों में उपस्थित हो जाएंगे लहराते खेत। जीवन के अराजक अंधेरों में विचार के जुगनू लाऊंगा और छोड़ दूंगा ऐन तुम्हारे चेहरे के सामने। असत्य कथाओं के बरक्स, झूठ और फरेब के खिलाफ, मानवद्रोही मान्यताओं के विरुद्ध सारी दुनिया से जुटाऊंगा तर्क। असत्य कथाओं के बरक्स, झूठ और फरेब के खिलाफ, मानवद्रोही मान्यताओं के विरुद्ध सारी दुनिया से जुटाऊंगा तर्क। सभी भाषाओं में खोजूंगा दृष्टांत और पूरी ताकत से रखूंगा तुम्हारे सामने, अकेले पढ़ने पर भी चुप नहीं रहूंगा। तो ये दूसरी रचना जी कविता है, उसका शीर्षक है उम्मीद। उम्मीद एक जिंदा शब्द है जो खिलता है नई कोकलों की लछाओं में, कांटों के बीच खिले गुलाब में मुस्कुराता है। उम्मीद एक जिंदा शब्द है जो खिलता है नई कोकलों की ललछाओं में, कांटों के बीच खिले गुलाब में मुस्कुराता है, आंखों की रत्नारी छवियों में हंसता है, हंसते जवान चेहरों की खिलखिलाहट में महसूस कर सकते हैं इसके होने की आहट। हत्यारी हवाओं के खिलाफ पतंग की तनी डोर में तनता है, यही जुगनुओं के कारवां में बसता है, अंधेरे के विरुद्ध दमकते हुए अन्याय के खिलाफ लहराती बंद मुट्ठी में पलता है अश्रु आता है, बीज बोते किसानों के सपने में अखवाता है, गौरैया की नन्ही चोंच में दबे तिनके और रसद छूती चींटियों के काफिले में चलता है। इस स्याह दौर में घनी काली रात के माथे पर सजी हिमैया और टिमटिमाते तारों में झिलमिलाती है एक नई इबारत कि उम्मीद एक जिंदा शब्द है, कि उम्मीद महज शब्द का नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आज की नई पीढ़ी है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का साहित्य लिखें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सबसे जो बड़ी बात है, मुझे लगता है कि एक अच्छा पाठक ही एक अच्छा लेखक हो सकता है। तो हमारे जो युवा साथी हैं, हालांकि वो रचनात्मक रूप से ऊर्जा से बहुत भरे हुए हैं, लेकिन वो अपने समकालीनों को और क्लासिक लिटरेचर को जरूर पढ़ें। यह पढ़ना ही उन्हें दृष्टि देगा, विचार देगा और जीवन से साक्षात्कार करने की वह शक्ति देगा जो उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त होना जरूरी है। मुझे लगता है कि वो जितना ही साहित्य को पढ़ेंगे उतना ही उनका दृष्टिकोण विकसित होगा, वो और अधिक संवेदनशील और मानवीय होते जाएंगे। साहित्य का उद्देश्य भी यही है, उसमें भाव भी हो लेकिन समाज को आगे ले जाने के विचार।
यही मुझे लगता है साहित्य का निकस है। समाज आगे जाए, साहित्य ऐसा होना चाहिए। तो हमारे साथ थे काव्यात्री आदरणीय डॉक्टर अनिल अविश्रांत जी। फिर हम मिलेंगे नए काव्यात्री के साथ अगली काव्य यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद।